बरस के लुआ दतवा देखी दे ऊपर वाला सड़त है आज खाई दिया वाला हां तो चला खाला पकौड़ी सुपर टेस्टी कैसा बना है बताओ पागल बोलोगी हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे नई सी मजेदार सी रेसिपी, जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ऐसी रेसिपी आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है करेम के पत्ते। ये मेरे खेत से ताज़ा ताज़ा आया है। अगर आपको चाहिए तो आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, ठंडी के सीज़न में आते रहता है ये। तो ये देखिए, इसका ये फूल है और इसे हम सबसे पहले अब साफ़ कर लेते हैं। तो साफ फ्रेंड्स, करेम के पत्ते हैं, इसे हमने अच्छे से कट कर लिया है, धो लिया है। और यहाँ पर हमने लिए हैं आलू, जिसे घिस लिया था और घस के दो पानी से इसे धो लिए हैं। तो इसे हम बड़ी सी परात में मिक्स करने वाले हैं। इसकी बनाएंगे हम पकौड़ी। ये हमारा करेम है और इसे साग भी कहा जाता है। तो ये साग की पकौड़ी बनेगी यहाँ पे आलू डाल के। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची लगता है, नमकीन जैसा इसका स्वाद आता है। तो यहाँ पे लहसुन, मिर्ची, अदरक हमने कूट लिया है, इसे भी डालेंगे इसके अंदर। तो हम तीखा ज़्यादा खाते तो उसके हिसाब से मिर्ची लिए हैं। आप यहाँ पर मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी बेसन हमने लिया, इसे चलनी से चाल लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन दो कटोरी हमने बेसन ऐड किया है और बेसन को अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पे देखिए, बेसन छानने के बाद, चालने के बाद अच्छा सा स्मूद हो गया है। और ये देखिए, गंदगी रह गई है चलनी में। तो यहाँ पे तकरीबन एक चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए, और गरम मसाला कोई भी ऐड कर लेना है एक चम्मच, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं। और लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेना है। और पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छे से इसे सान लेना है, गूँथ लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सब्जियाँ खुद ही पानी रिलीज करेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मसल मसल के हमने इसे चिकना बना लिया है, कितना मुलायम हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पकौड़ी का डो रेडी हो गया है, यहाँ पे बनने लगी है एक एक पकौड़ी जैसी। तो इस तरह से पकौड़ी हमें हाथ की हथेलियों पे बना लेना है, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पे कढ़ाई में हमने मीडियम फ्लेम पे तेल गरम कर लिया है, तो एक एक पकौड़ी इसके अंदर डाल देंगे। तो मुट्ठी बनाते हुए इसे एक एक इस तरह हल्का हल्का बना लेंगे हम। इसे हाथों से उठाना है और इस तरह से, ज़्यादा तेज़ी से इसे दबाना नहीं है। अगर हम इसे ज़्यादा दबा देंगे तो क्रिस्पी नहीं होगा। अगर ये थोड़े खुले खुले से रहेंगे, अच्छे से पकेंगे, करारी सी हमारी पकौड़ी बनेगी, क्रिस्पी सी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बैच हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ियों को अलट पलट लेना है, ये देखिए। तो ये पहली वाली है, देखो लाल हो गई है फ्रेंड्स। तो एक एक करके हम सभी पलट लेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों में हमारी हेल्दी सी पकौड़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये साग की पकौड़ी है।
तो ये बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ियों को पलट देते हैं एक एक करके, और देखिए इनमें अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ा और क्रिस्पी सी बना लेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी हमारे करेम के पत्ते यानी साग के पत्तों की पकौड़ी रेडी हो गई है। कितनी मस्त लग रही है, लाजवाब, आ हा हा। चाय के साथ तो इसका मजा दुगना हो जाएगा ठंडी के मौसम में। तो है ना ये माउथ वाटरिंग, मस्त लग रही है, इसे देखते ही खाने का मन हो रहा है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी सी, करारी सी। तो ये हमारी देसी पकौड़ी है। तो इसी तरह हम सभी तैयार कर लेते हैं पकौड़ियाँ। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा बैच भी बन के रेडी हो गया है, तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये कितना मस्त लग रहा है, क्रिस्पी सी करारी सी पकौड़ी हमारी। तो यहाँ पे हमारी सभी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं, कितनी मस्त लग रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ब्रश किलू है, दतवा देखी थे, ऊपर वाला सड़त है। आज खा दिया बड़ा। हाँ तो चला खा ला पकौड़ी। कैसा बना है? पागल। बोलोगी? ये क्या हो रहा है तुम्हें?